Good morning, students. A circular loop A of radius R carries a current I, and another circular loop B of radius R, which is equals to R by 2, मतलब ये A वाला loop का radius R है, तो जो दूसरा loop है B, उसका radius इसके देखिए R by 20 है, ठीक है, मतलब बहुत ही छोटू सा होगा, is placed concentrically in the plane of A, ठीक है, मतलब एक के ऊपर, मतलब प्लेन के अंदर ही रखा गया है इसको. The magnetic flux linked with the coil B is how much? तो ये मैंने आपके लिए डायग्राम बना के रखा है. ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए थे, तो ये मैंने एक डायग्राम बना के रखा है जिसमें मैंने कॉइल ये लूप सर्कुलर लूप ए बना दिया है. लेट से कैरीज अ करंट है. अब डायरेक्शन तो दी नहीं है, तो मैंने मान लिया कि इसकी डायरेक्शन इस लेट से करंट यहाँ पे. तो अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो मुझे बताइए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी? अपवर्ड, यानी आपकी तरफ, ठीक है. तो इसमें मैं डॉट बना दूं, ये डॉट बना देती हूं मैं, ठीक है, यानी इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी बाहर की तरफ निकलेगी. अब वो बोल रहे कि एक और कॉइल है बी जिसका रेडियस कितना है आर बाय 20. अब मैं बहुत ज्यादा जूम करके बना रही हूं. आप सोचिए कि अगर आर की वैल्यू, इमेजिन कीजिए आर की वैल्यू 1 है, तो आर बाय 20 तो कितना छोटा हो गया, मतलब 1/20, मतलब लगभग एक डॉट है इस कॉइल के मुकाबले. ये बहुत 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 छोटू सा है, लेकिन मैं बहुत जूम करके पिक्चर बना रही हूं, ठीक है. यहाँ पे तो ये है मेरी कॉइल बी, नॉट इट इज नॉट मैग्नेटिक फील्ड, हाँ इट इज अ कॉइल बी. तो इसका जो रेडियस इन्होंने देके रखा है वो कितना देके रखा है, आर बाय 20 देके रखा हुआ है, ठीक है. अब वो बोल रहे हैं इस कॉइल ए की वजह से इस कॉइल बी में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा वो आपको निकालना है, ठीक है. तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया हमारे लिए, सो लेट्स सॉल्व इट. हम जानते हैं फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए. अब इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो भी बाहर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल इज जीरो, सो फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, ठीक है. अब ये एक सर्कुलर कॉइल है, ओके. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, लूप ए की वजह से. ये भी एरिया है, हाँ दिस इज द एरिया, इसको आप वो मत मानिएगा, ये लूप ए की वजह से, ओके. तो ये लूप ए की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे जनरेट होगी वो कितनी होगी, वो जनरेट होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2R, करेक्ट. इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इतनी जनरेट. अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो खाली, अब अगर आप एरिया जो है पूरे लूप का ले लेते हैं ए का, तो पूरी जगह से मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स निकलेगा. उनका कहना है कि हमें वो बताइए द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल बी की वजह से. तो ये कॉइल बी तो खाली इतना सा है, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स इसमें से निकल रहा है वो कितना होगा वो बताइए. तो हमें जाहिर सी बात है एरिया भी इसका लेना पड़ेगा, इस वाले का एरिया लेना पड़ेगा. इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो सब जगह जनरेट हो रही है, यहां यहां यहां, लेकिन उनका कहना है कि इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो यहां पे कितना जनरेट हो रहा है, यानी आर बाय 20 रेडियस में. तो हम एरिया भी इसी का ले लेंगे, तो एरिया कितना हो गया डॉट, क्योंकि सर्कल है तो पाई आर बाय 2 का स्क्वायर, करेक्ट. इसको आप सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर, और ये 20 × 20 400 × 2 दैट इज 800 इंटू आर, ठीक है. अब ये एक आर से एक आर कैंसिल हुआ, म्यू नॉट आई पाई 800 सब कुछ कांस्टेंट है, तो इसको मैं सी नाम दे देती हूँ, इस पूरे को मैं सी नाम दे दूं, तो इंटू आर बचा, ठीक है. इसका मतलब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. तो यही पूछा है कि इज द मैग्नेटिक फ्लक्स विद द कॉइल बी इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, इज प्रोपोर्शनल टू वॉट, तो इज प्रोपोर्शनल टू आर. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ए इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर.